गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा मध्य प्रदेश का गृह विभाग प्रतिवर्ष बगैर परीक्षा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 60 पदों पर भर्ती देगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में जीतने वाले खिलाड़ियों की बिना परीक्षा के कांस्टेबल व सब कांस्टेबल पद पर भर्ती होगी। इसके लिए एक चयन समिति काम करेगी जिसमें खेल विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी होंगे। मिश्रा ने बताया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 60 पदों पर सीधी भर्ती करेंगे। ये भर्ती बगैर परीक्षा के होगी। इसके जरिए खिलाड़ी कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक बनेंगे। कल मैं श्रीधाम एक्सप्रेस से भोपाल आ रहा था, मुझे खंडवा की कुछ बच्चियां मिली जो आगरा खेल के आ रही थी, शायद कुश्ती की बिटिया थी। विचार तब भी आया था और विचार पहले से भी चल रहा था। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग ने तय किया है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में बगैर लिखित परीक्षा एवं शारीरिक परीक्षा के सीधी भर्ती दी जाएगी। इस उद्देश्य से अब ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम के पदक विजेता खिलाड़ियों को उपनिरीक्षक तथा अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को आरक्षक बनाया जाएगा। लगभग उपनिरीक्षक और आरक्षक ऐसी 60 भर्ती प्रति वर्ष होगी, जो एक अलग से हम समिति बनाएंगे। उसमें चयन समिति में खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस विभाग के साथ में रहेंगे, जो सीधी भर्ती इनकी करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।